हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का। ये हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस चल रही हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का जो फिजिकल डिवीजन है इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो काफ़ी सारी क्लासेस हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं, अब हम इन क्लासेस को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज अपन जो फिजियोग्राफी है, इस फिजियोग्राफी से ही स्टार्ट करेंगे। हमने इसका सिर्फ बेसिक पढ़ा था फिजियोग्राफी का, कि बेसिक क्या होता है। जब भी मैं आपसे यहाँ पर फिजियोग्राफी के बारे में बातचीत करता हूँ तो अपन इसको जानते हैं किसके नाम से, भौतिक विभाजन के नाम से। हम भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, और इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पेपर में बहुत मदद करता है। आजकल जिस तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और स्टेट स्पेसिफिक की बात करते हैं तो एमपी का जो जियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, फिजियोग्राफी का बेटा बेसिक सा मीनिंग क्या होता है, कि जब भी अपन कोई जो स्थान है, इस स्थान विशेष की जो विशेषताएं पाई जाती हैं, स्थान विशेष की आपके पास जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और इन विशेषताओं में आपको क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आपको कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन देखने को मिल सकती है, कोई आपको यहाँ पर फिजिकल लोकेशन देखने को मिल सकती है, आपको यहाँ पर कोई इकोनॉमिक जो सिचुएशन है ये इकोनॉमिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है, मतलब भौगोलिक अंतर आपको देखने को मिल सकते हैं, अर्थव्यवस्था के तौर पर आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिल सकते हैं, ह्यूमन आपके पास जो ज्योग्राफी है, इस ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिल सकता है। मतलब फिजियोग्राफी का सिंपल सा मीनिंग क्या है, कोई स्थान विशेष आपके पास जो है, कोई भी प्लेस हो सकता है। प्लेस के अंदर सेंस दो चीज़ अपन यहाँ पर बात करते हैं, एक तो किसी नेशन के बारे में बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं, या सेकंड वन हम किसी स्टेट की बात करते हैं। और अपन यहाँ पर भारत का तो पढ़ नहीं रहे, स्टेट का पढ़ रहे हैं, मतलब राज्य स्पेसिफिक देख रहे हैं कि किसी स्थान की विशेषताएं, चाहे भले आपके पास भौगोलिक विशेषताएं हों, आर्थिक विशेषताएं हों, या मानवीय विशेषताएं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। और इसी में आप लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी आपके पास जो है, ये क्लाइमेटिक जो आपके पास सिचुएशंस हैं ये भी अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं फिजियोग्राफी को डिफाइन करने की कोशिश करूं, किसी स्थान विशेष पर अलग अलग प्रकार की जो दशाएं पाई जाती हैं, इन दशाओं का जो अध्ययन है, फिजियोग्राफिक आपके पास जो सिचुएशंस हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन है, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो अंतर आता है, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, फिजियोग्राफी के नाम से जानते हैं या भौतिक विभाजन के नाम से जानते हैं। जनरली भौतिक विभाजन जब हम लोग पढ़ते हैं या हमें पढ़ाया जाता है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि हम इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन देखने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिजियोग्राफी आपके पास एक बड़ा शब्द है और काफी ज्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स क्यों है, जैसे देखिए अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में काफी सारे पार्ट हैं और इन पार्ट में अलग अलग दशाएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, इनकी भाषाएं अलग हैं, बोलियां इनकी अलग हैं, इनके जो कल्चर हैं, धर्म को मनाने के तरीके अलग हैं। लोकल अपन फोक डांस की बात करते हैं, फोक सॉन्ग की बात करते हैं, इसको आप कहाँ लेकर जाएंगे, इसी में लेकर आना पड़ेगा ना आपको। विविधताएं पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन आपके पास क्या कहलाता है, फिजियोग्राफी कहलाता है। इसके बेस पर अगर आप एमपी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली आपके पास जो एमपी है ये 3 पार्ट्स में आपके पास डिवाइडेड है। अगर आप मध्य प्रदेश को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें 3 पार्ट देखने को मिल सकते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर आपको देखने को मिलता है मध्य का उच्च प्रदेश, पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा मध्य का उच्च प्रदेश। अगर मैं दूसरे नंबर पर आपसे यहाँ पर बात करूँ तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर सतपुड़ा मेकल श्रेणी। दूसरा हमारे पास जो हिस्सा है ये माना जाता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और तीसरा इसी के अंतर्गत आता है पूर्व का पठार। पूर्व का पठार अगर मैं इनको आपको इंग्लिश में बताने की कोशिश करूं तो सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं, सतपुड़ा मेकल रेंज की बात करते हैं, और प्लेटू ऑफ ईस्ट की बात करते हैं। ये 3 इसके मेजर पार्ट्स हैं, इनमें हमने मध्य प्रदेश को क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो सर ये 3 कौन कौन से हैं, एक बार आप इनको मैप पर बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए कि फिजियोग्राफी आपके पास ये है, ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने किसको, एमपी को। अगर एमपी के मैप के अंतर्गत इन सब के बारे में बात करें तो
एक छोटा सा मैप बना लेते हैं और इस मैप के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हमारा मध्य प्रदेश है और इस मध्य प्रदेश में जो तीन हम डिविजन्स की यहाँ पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, देखिए तो मध्य के उच्च प्रदेश की बात करें, सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात करें, नीचे आपके पास ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, अगर इस पोर्शन की मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ इधर, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये हमारा सतपुड़ा और मेकल रेंज वाला रीजन है। इसी में इस तरीके से आपको यहाँ पर जो हिस्सा दिखाई देता है ये पूर्व के पठार के अंतर्गत आता है, या आप इसको प्लेटू ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। ये वाला जो रीजन है ये पूर्व के पठार के नाम से जाना जाता है और ये पूरा का पूरा जो आपके पास पार्ट है ये हमारा मध्य का उच्च प्रदेश है। अगर इसके बारे में आपसे कोई यहाँ पर बातचीत करता है तो ये हमारा क्या है, मध्य का उच्च प्रदेश। अब देखिए फिजियोग्राफी की विशेषता क्या है कि स्थान विशेष की विशेषताओं को देखा जाता है। यहाँ पर एक पार्ट इतना बड़ा, ये छोटा सा और ये छोटा सा पार्ट, तो यहाँ इधर वाली रीजन की अलग कंडीशंस हैं, यहाँ अलग सिनेरियो पाया जाता है, यहाँ अलग सिनेरियो पाया जाता है, यहाँ अलग सिनेरियो पाया जाता है। जो मध्य का उच्च प्रदेश है, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो ये क्या है, एक आप लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेक्कन प्लेटू है उसका हिस्सा ये वाला पोर्शन और ये नॉर्थ जो प्लेन है उसका हिस्सा। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इधर देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है ये गैंगेटिक प्लेन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो गैंगेटिक प्लेन वाला रीजन है आपको इधर देखने को मिल जाएगा। अगर इधर अपन लोग यहाँ पर बात करें तो ये अरावली जो हमारे पास रेंज है, ये अरावली रेंज का आपको रीजन देखने को मिल जाएगा। अगर इधर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, ये पूरा का पूरा रीजन है, ये छत्तीसगढ़ प्लेटू का आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, डेक्कन जो प्लेटू है ये डेक्कन प्लेटू का भाग आपको दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो मध्य प्रदेश है ये इसकी फिजियोग्राफिक विशेषताएं हैं कि हमारे पास जो ग्रेट प्लेन है इसका हिस्सा भी देखने को मिल जाता है, छत्तीसगढ़ के पठार का भी आपको रीजन देखने को मिलेगा, अरावली का कगार भी आपको देखने को मिल जाता है और डेक्कन प्लेटू का भी एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको लेकर थोड़ी सी फिर लड़ाई चलना स्टार्ट हुई और इसमें फिर हमें परेशानियां आना स्टार्ट हुई। तो हमने जो मध्य का उच्च प्रदेश है, इस मध्य के उच्च प्रदेश को कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। आप उससे पहले देख लीजिए, एक बड़ा वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये सतपुड़ा मेकल रेंज है साउथ वाला पोर्शन, और ये ईस्ट में है इसीलिए पूर्व का पठार है, या आप इसे बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। पूर्व का आपके पास जो पठार है इसी को हम लोग प्लेटू ऑफ बघेलखंड के नाम से जानते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो नोट्स मेकिंग जरूर करें। ये थ्री पार्ट्स हैं, ये थ्री पार्ट्स आगे जाके और बड़े पार्ट और छोटे छोटे पार्टों में तोड़े जाते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट कौन कौन से हैं एक बार अपन इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका यही मध्य का उच्च प्रदेश है, इस मध्य के उच्च प्रदेश को अपन थोड़े से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और थोड़े से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास रीजन है ये मैंने यहाँ इस तरीके से बना दिया, ये है नर्मदा रिफ्ट वैली। इसमें अपन यहाँ से एक छोटा सा एरिया अलग कर लेते हैं, ये वाला आपके पास जो रीजन है ये हमारा, ये आपको देखने को मिल जाएगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार के साथ में ये इस तरीके से बॉर्डर बनाता हुआ एक रीजन आपको दिखाई देगा, इसे आप लोग जानते हैं बुंदेलखंड के पठार के नाम से। और अगर मैं इस लाइन को यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ तो ये कहीं ना कहीं आपके पास ये हमारा रीवा पन्ना का पठार माना जाता है। मतलब देखिए ये आपके पास बच्चा पार्टी क्या है, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसको आप लोग नाम दे सकते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इसको आप लोग यहां पर नाम दे सकते हैं रीवा पन्ना का पठार। ये हमारा पूर्व का पठार है, ये आपके पास है रीजन नर्मदा रिफ्ट वैली, इसको आप नर्मदा और रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, नर्मदा वर्ज घाटी के नाम से जानते हैं। ये बचा हुआ जो पार्ट आपके पास है ये प्लेटू ऑफ मालवा है, आप इसको जो मालवा प्लेटू है इस मालवा प्लेटू के नाम से जानते हैं या मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। तो याद कीजिए
जो छोटे छोटे तीन पार्ट्स थे, अब अपन ने इस पार्ट के काफ़ी सारे हिस्से बना दिए। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, हम मालवा प्लेटू की बात करते हैं और नर्मदा ब्रज घाटी की बात करते हैं। तो हमने 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट ये बना दिए। इसमें से छठवा और सातवा अगर अपन बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश करें तो हमारा मध्य प्रदेश छोटे छोटे 7 प्राकृतिक विभागों में बटा हुआ है। अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछने की कोशिश करता है कि मध्य प्रदेश की जो फिजियोग्राफी है, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 इसके मेजर पार्ट हैं। अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछता है कि 3 इसके जो मेजर पार्ट हैं, ये मेजर पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। पहला हम बता दें मध्य का उच्च प्रदेश, आप बता दीजिए मध्य का उच्च प्रदेश। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर बता सकते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा जो आपके पास मेकल श्रेणी है या सतपुड़ा मेकल रेंज। और तीसरे नंबर पे आप लोग बता दीजिए पूर्व का जो पठार है, ये पूर्व का पठार या बघेलखंड का जो पठार है या प्लेटू ऑफ ईस्ट। लेकिन जो मध्य का उच्च प्रदेश है ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको 7 माइनर पार्ट में डिवाइड कर दिया एमपी को। सर 7 माइनर पार्ट में कैसे डिवाइड हो सकता है? बेटा देखो, ये दो तो आपके पास एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। मध्य के उच्च प्रदेश के हमने छोटे छोटे पार्ट किए और एक हमने इसमें बना दिया मध्य भारत का पठार, एक हमने यहां पर बना दिया मध्य भारत का पठार। दूसरे नंबर पे हमने इसमें बना दिया बुंदेलखंड का पठार, प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड, इसी का एक हिस्सा हमने यहां पर अलग कर दिया और ये है नर्मदा भ्रंश घाटी, एक इसी का हिस्सा बना दिया नर्मदा भ्रंश घाटी। एक हिस्सा इसी का हमने बना दिया जैसे आप लोग जानते हैं रीवा पन्ना के पठार के नाम से, और इसी का एक हिस्सा हमने बना दिया जिसे हम लोग जानते हैं मालवा का पठार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इस पार्ट का। तो देखो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश को मोटे तौर पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, प्लेटू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा मेकल रेंज, प्लेटू ऑफ ईस्ट पूर्व का पठार, ये 3 आपके पास क्या है मेजर पार्ट है। जब अपन इसका इनिशियल डिवीजन करने लगते हैं, माइनर इसका डिवीजन करने लगते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो ये जो मध्य का उच्च प्रदेश था इसके 5 पार्ट और आपको देखने को मिल जाते हैं, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा भ्रंश घाटी, रीवा पन्ना का पठार और मालवा का पठार। 5 आपके पास ये हैं और 2 ये, मिलकर कितने हो जाते हैं 7। तो मेजर 3 पार्ट हैं और माइनर 7 पार्ट हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो याद रखिएगा इस बात को। अगर अपन यहाँ पर थोड़ा सा और अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो देखो भाई, जो मालवा का आपके पास पठार है, ये मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश की फिजियोग्राफी का 28% 28% जो भाग है अपने पास लेके चलता है। मतलब हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग, सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक रीजन कोई रीजन है, वो है तो मालवा का प्लेटू है। नर्मदा रिफ्ट वैली की जब भी बात करते हैं, ये 26.62% 26.62% के आसपास जो हिस्सा है ये अपने पास लेके चलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा पठार हमारे पास कौन सा है, सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, मालवा प्लेटू। दूसरे नंबर पर आता है नर्मदा रिफ्ट वैली। जब भी सतपुड़ा मेकल रेंज की बात करते हैं, ये 11% जो भाग है अपने पास लेके चलता है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है ये 10.68% एरिया अपने पास लेके चलता है। बेटा ये पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। ये आपके पास 11% के अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। जब भी अपन इधर चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ये आपका 6.5% के आसपास एरिया लेके चलता है, लगभग 6.5% के आसपास एरिया लेके चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, चीजों को इस तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ा हमारे पास जो पार्ट है ये मालवा प्लेटू है 28% के साथ, और सबसे छोटे पार्ट की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, पूर्व का पठार है, ये 6.7% के आसपास क्या करता है एरिया अपने पास यहाँ पर लेकर चलता है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखें, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमेशा ज़्यादा रहती है। तो देखिए अभी तक आपने क्या देखा है कि 3 मेजर पार्ट हैं, 7 इसके यहाँ पर माइनर पार्ट हैं। अपन क्या करते हैं,
एक एक पार्ट यहाँ से निकालते हैं और इन पार्टों का थोड़ा सा एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किस में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं MPPSC प्रीलिम्स मेंस और व्यापम के जो अदर एग्जाम्स हैं इनमें आपको बड़ी सपोर्ट करने वाली है, तो कोशिश करें आप इन क्लासेस को लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एटलीस्ट उनको इनका बेनिफिट तो मिल पाएगा। देखिए, अपन ने अभी तक यहाँ पर क्या पढ़ा है, देखा है कि फिजियोग्राफी क्या होती है और फिजियोग्राफी के साथ में समझने की कोशिश की मध्य प्रदेश को कितने हमने छोटे छोटे पार्ट्सों में डिवाइड किया है। ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं अपन इनके यहाँ पर क्या करते हैं स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पोर्शन है अपन यहाँ पर जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे ये मध्य भारत का पठार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो मध्य भारत का जो पठार है, इस मध्य भारत के पठार के बारे में बातचीत करते हैं। मध्य भारत के पठार की जब भी मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, ये प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया है, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया के नाम से आप इसको यहाँ पर क्या करते हैं जानते हैं। अगर मैं इसकी लोकेशन बनाने की कोशिश करूँ तो हम यहाँ पर एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएं। ये हमारा मध्य प्रदेश है पूरा और थोड़ा सा आपको विजिबल होने में दिक्कत होगी क्योंकि छोटा सा ये MP बनाने वाले हैं ताकि आसानी से चीज़ों को क्या कर पाएँ हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये अपना छोटा सा और प्यारा सा मध्य प्रदेश है। आप इसमें देखिए ये वाला जो रीजन है, अगर मैं रेड पेन से इसको अलग करने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो हमारा रीजन है ये पूरा का पूरा मध्य भारत का पठार या प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप इसकी लोकेशन देखने की कोशिश करिएगा कि इसके नॉर्थ में आपको जो गंगा यमुना और गंगा का मैदान है, या नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलता है, जो नॉर्थ प्लेन है ये नॉर्थ प्लेन देखने को मिल जाएगा। अगर इसके साउथ की अपन लोग यहाँ पर बात करते हैं तो साउथ में आपको क्या देखने को मिलता है, जो मालवा प्लेटू है ये मालवा प्लेटू आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी वेस्ट की बात करते हैं तो पश्चिम में ये राजस्थान का आपके पास जो मैदान है, राजस्थान के प्लेन आपको यहाँ पर क्या होंगे देखने को मिल जाएंगे, और राजस्थान के प्लेन के साथ में आपके पास जो अरवली है वो आपको देखने को मिलेगा। और ईस्ट की जब भी अपन यहाँ पर बात करते हैं ये प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड आपको देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है, प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड आपको देखने को मिल जाता है। तो बच्चा पार्टी, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मध्य भारत के पठार के बारे में। मध्य भारत के पठार की लोकेशन है और इस लोकेशन को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अकेला लेने की कोशिश करूँ, एक बड़ा पोर्शन बना दूँ इसका, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ये हमारा MP है और अभी हम लोग ये वाला जो पोर्शन है ना इसके बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इधर नॉर्थ प्लेन है, मालवा प्लेटू है, प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड है एंड राजस्थान प्लेन है, इनके बीच में बसा हुआ है आपका क्या, मध्य भारत का पठार। इसी का एक और नाम है चंबल का उपाद्र प्रदेश। आप इसको चंबल का जो उपाद्र प्रदेश है इसके नाम से भी जानते हैं। और उपाद्र प्रदेश का मतलब क्या है, सेमी एरिड रीजन। और किसका सेमी एरिड रीजन है, चंबल का। और सेमी एरिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लो रेनफॉल होता है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, लो रेनफॉल आपको दिखाई देगा। आप इस चीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जब भी हम लोग इसके बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं तो देखिए, मध्य भारत का पठार है, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया है, चंबल का उपाद्र प्रदेश है। यहाँ देखो कुछ जिले आप लोग देखने की कोशिश करते हैं, मतलब जिलों के बारे में अगर मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँ तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग देख सकते हैं, हमें जो भिंड है भिंड आपको देखने को मिलेगा, भिंड के साथ में जो मुरैना है ये हमें देखने को मिलेगा, श्योपुर, भिंड मुरैना श्योपुर, ग्वालियर का आपके पास जो हिस्सा है ये ग्वालियर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें शिवपुरी का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, गुना की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये गुना आपको देखने को मिल जाएगा, मंदसौर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये जिले आपको देखने को मिलेंगे। इतने सारे जिलों को लेकर बैठा हुआ है मध्य भारत का पठार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्यों है, यही नॉर्थ रीजन है, ये हमारे मध्य प्रदेश का नॉर्थ वाला पोर्शन है, आप याद रखिएगा, नदन पार्ट है मध्य प्रदेश का। और यहाँ एक जो रिवर है, काफ़ी सारी नदियाँ हैं, जैसे अपन चंबल के बारे में बात करते हैं तो सबसे
इम्पोर्टेंट जो नदी है ये चंबल है, और चंबल आपके पास जो रिवर है ये इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो चंबल नदी है इसकी जो वैली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चंबल वैली के बारे में आपने पढ़ा होगा, हम बिहड़ों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि चंबल नदी के द्वारा क्या किया जाता है, इस वाली रीजन में सॉइल इरोजन किया जाता है। चंबल नदी क्या कर देती है, सॉइल इरोजन आपके पास यहाँ पर करती है, मृदा अपरदन आपके पास करती है। और ये जो सॉइल इरोजन है ये गली इरोजन टाइप है। ये कैसा है, ये है गली इरोजन। और गली इरोजन को आप लोग जानते हैं अवनालिका अपरदन। और अवनालिका अपरदन का मतलब क्या है कि मृदा का कटाव बहुत तीव्र गति से करती है, जिससे यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। और ये गड्ढे बनने के कारण यहाँ आपको जो बीहड़ है ये बीहड़ों की समस्या देखने को मिलती है। हम यहाँ जब समस्या पर चर्चा करेंगे तब इन चीज़ों को क्या करेंगे, देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो देखिए, याद रखिएगा इस चीज़ को, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ जो हमारा चंबल का उपाध्र प्रदेश है, आप इसके जिले देख लीजिए, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, या आपके पास मंदसौर वाला रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इधर देखिए, जैसे अपन मुरैना के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं तो मुरैना हमारा सबसे नदन डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर इस रीजन में मैं शिवपुर के बारे में यहाँ पर बातचीत करूँ तो श्योपुर को आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और भिंड की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो भिंड बेसिकली आपका जाना जाता है किसके लिए, लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, इन एमपी, मध्य प्रदेश में अगर सबसे कम अगर लिंगानुपात किसी का है तो हमें भिंड का देखने को मिलेगा। तो ये इसकी क्या है कुछ विशेषताएं हैं, हम हर एक चीज़ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप समझिए हम लोग किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जो मध्य भारत का पठार है, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं। चंबल के उपाद्र प्रदेश के नाम से भी आप इसको क्या करते हैं, जानते हैं, या हमने चंबल रिवर पाई जाती है, चंबल रिवर वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश का जो इस्टेब्लिश किया गया था, और सेकेंड इन इंडिया भारत में दूसरी आपके पास क्या थी, नदी घाटी परियोजना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की जो विशेषताएँ पाई जाती हैं, इन विशेषताओं के बारे में। अगर मैं मध्य भारत के पठार की आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ तो मध्य भारत के पठार में बहुत सारी विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और जब भी मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ इसका जो लोकेशन है, इस लोकेशन के बारे में, तो जब आप मेंस को पढ़ने जाते हैं तो लोकेशन तो आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। और लोकेशन को देखो बेटा, दो तरीके से देखा जाता है। एक अपन यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, लेटिट्यूडनल, कि भैया जो लेटिट्यूड है ये लेटिट्यूडनल क्या है, और एक हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, ये वाली जो लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इधर से ये जो लाइन आपको दिखाई देती है खड़ी हुई लाइन, और लेटिट्यूडनल का मतलब क्या है, ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपको यहाँ पर क्या होगी, दिखाई दे जाती है। जब भी मैं इसमें यहाँ पर बात करता हूँ तो जब हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में बातचीत करते हैं बच्चा, तो ये वर्ल्ड जियो का एक अपना पूरा टॉपिक है, और जब वर्ल्ड जियो की बात करेंगे तब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो, नीचे वाला जो पोर्शन है ये 24 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पर 24 डिग्री लेटिट्यूड की बात करता हूँ, और ऊपर अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ बेटा, आपको ये 26 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगी। ये हमारा क्या है, इसका वो है लेटिट्यूडनल, 24 से लेके 26 डिग्री 30 मिनट के बीच में आपको देखने को मिलता है लेटिट्यूड। और जब भी लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, मतलब ये वाली लोकेशन की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, ये आपको 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर इधर आपको 79 डिग्री, बेटा यहाँ तक आपको देखने को मिलता है ना, तो ये 79 डिग्री और 10 मिनट तक आपको क्या रहेगा, देखने को मिलता है। मतलब अगर मैं मध्य प्रदेश की आपसे लोकेशन की यहाँ पर बातचीत करूँ और इस लोकेशन को दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं इस तरीके से, एक लेटिट्यूड में और लेटिट्यूड के साथ में एक अगर इसको लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करूं, तो आप ऐसे बता सकते हैं लेटिट्यूड आपको देखने को मिल जाता है ये 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक, और अगर लॉन्गिट्यूड की यहाँ पर बातचीत करता हूँ तो ये 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट के बीच में आपको क्या होता है, दिखाई देता है। ये हमारे मध्य भारत के पठार की क्या है, लोकेशन है, आप थोड़ा सा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। देखिए, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुछ इसमें पूरे आते हैं, कुछ इसमें आधे आते हैं,
काफी इंपोर्टेंट रीजन है क्योंकि उत्तर वाला पूरा रीजन यही बनाता है और इसके चर्चा में रहने का जो कारण है बेटा वो हमेशा चंबल वैली के कारण रहता है। चंबल वैली के कारण ये क्यों रहता है आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारी जो चंबल वैली है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ किसके बारे में, चंबल घाटी के बारे में, इसकी विशेषताओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। ये घाटी आपको कहीं कहीं पर तो 300 से 400 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में एवरेज। और अगर इसकी ढाल की आपसे बात करता हूँ, गहराई की आपसे बात करता हूँ, 150 मीटर के आसपास आपको ये गहरा रीजन देखने को मिल जाएगा। जब भी हम इसकी ढाल की बात करते हैं, मध्य भारत का आपका जो ढाल है इसका आपको देखने को मिलेगा बेसिकली दक्षिण पश्चिम से। इसका ढाल आपको जो दक्षिण पश्चिम है, इस दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर देखने को मिलता है। इसका जो ढाल है दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर और पूर्व की तरफ आपको दिखाई देगा। अगर मैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बात करते हैं इसके स्लोप के बारे में, और इसका अंदाजा कैसे लगाया जाता है, क्योंकि नदियां देखो इसमें इस तरीके से जाती हैं। ये अगर मैं चंबल नदी के बारे में बातचीत करूं तो चंबल नदी, कैन के बारे में बात करूं या बेतवा के बारे में बात करूं, ये जो नदियां हैं ये इसी तरीके से फ्लो यहाँ पर होती हैं। अपन सिंध की बात करें या हम लोग यहाँ पर जो पार्वती नदी इसकी बात करें, इनका स्लोप बताता है कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ क्या है, ये झुका हुआ है। तो देखिए पहली विशेषता की आपसे यहाँ पर बात करता हूँ तो चंबल घाटी फेमस है। चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में अपन अभी बातचीत करेंगे। आपको इसका ढाल याद रखना है, बहुत पूछा जाता है ढाल, और ढाल के साथ में आप नदियों के बारे में क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखो बेटा चंबल नदी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। चंबल की बात करते हैं, इसकी जो सहायक नदी है छिप्रा, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि छिप्रा तो आपकी मालवा की गंगा कहलाती है, यहाँ से फ्लो कर रही इसमें आपको देखने को मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। हालांकि जाके चंबल नदी में मिलती है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। चंबल की बात करते हैं, छिप्रा की बात करते हैं, हम यहाँ पर जो सिंध नदी है इस सिंध नदी के बारे में बात करेंगे, या मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ किसके बारे में, कैन रिवर के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ की क्या है, नदियाँ हैं। अगर अपने इस रीजन के बारे में थोड़ी सी और यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ की जो जलवायु है, ये जलवायु आपको याद रखना है क्योंकि बेसिकली दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। अगर मैं इसके क्लाइमेट के बारे में बातचीत करता हूँ इस वाले रीजन के, तो क्लाइमेट में दो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो अपन यहाँ पर बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। और जब भी अपन बात करते हैं कि इधर आपके पास जो रेनफॉल है ये रेनफॉल लेस होती है, बहुत कम बारिश होती है, इवन 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो पूरा का पूरा ये उपाद्र प्रदेश है, गर्मी पाई जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखो एक तो टेम्परेचर बहुत हाई है, बारिश कम होती है, चंबल नदी सॉइल इरोजन कर देती है, तो इस वाले रीजन में आपको इंडस्ट्री कम देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट हो नहीं पाया सॉइल इरोजन के कारण, एग्रीकल्चर उतने बेहतर तरीके से हो नहीं पाती है। तो ये हमारा जो समस्या जो क्षेत्र है मध्य भारत का पठार, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है या बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। बेरोजगारी की बात करेंगे या हम लोग यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात करें या सेक्स रेशियो की बात करें, ये चीज़ें आपको कम देखने को मिलती हैं। कम क्यों देखने को मिलती हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, ये जो रीजन है, हम सॉइल के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जो सॉइल आपको देखने को मिलेगा यह एलुवियल सॉइल का रीजन है, पूरा हमारा जो मध्य भारत का पठार है इधर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। और जब भी एलुवियल सॉइल की आपसे बात करता हूँ इसका मीनिंग क्या है, जलोढ़ मृदा। अब देखिए आप जलोढ़ मृदा को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसी मृदा जो नदियों के द्वारा बनाई जाती है, एलुवियम जो डिपॉजिट्स हैं, रिवर डिपॉजिट्स जिसे हम लोग एलुवियम कहते हैं, नदी के जो निक्षेप हैं उनसे बना हुआ है। यहाँ चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा उस पूरे रीजन में क्या किया जाता है, निक्षेप डाल दिए जाते हैं, इससे जलोढ़ मृदा बनती है। तो अगर मिट्टी आपसे कोई पूछ सकता है तो आप लोग बता दीजिएगा जलोढ़ मृदा का ये क्या है, क्षेत्र है। अगर आप मृदा के बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में समझ लीजिए। बेटा एलुवियल सॉइल आपके पास टू टाइप होती है, ये भी दो तरीके की होती है, याद रख लीजिएगा। एक आपको देखने को मिलती है बांगर, एक आपको देखने को मिलती है क्या, बांगर, और एक की अपन यहाँ पर बात करते हैं ये आपको देखने को मिलती है खादर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी टाइप की है,
बेटा मध्य प्रदेश में है तो आपके पास खादर टाइप की, लेकिन दिक्कत क्या है कि सॉइल इरोजन के कारण यहाँ पर खेती नहीं कर पाती, ये बहकर चली जाती है। अपन समस्याओं की बात करेंगे मध्य प्रदेश के इस रीजन में कौन कौन सी समस्या है, तब आप इसको समझेंगे। क्लियर है? देखिए, टेम्परेचर बहुत हाई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जब भी बात करते हैं गर्मियों में, ये एवरेज टेम्परेचर आपके पास 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। रेनफॉल आपने देख लिया, 75% से कम बारिश होती है, एवरेज से कम बारिश होती है, तो आप इसकी जलवायु दशाओं को समझ पा रहे हैं। सॉइल की मैंने आपसे यहाँ पर बात की, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर, लेकिन हमारे एमपी में बेसिकली खादर पाई जाती है जो काफी उपजाऊ है। ये उपजाऊ होती है, ये न्यू एलुवियम होता है। ये अगर मैं आपसे यहाँ पर एलुवियल सॉइल के बारे में बातचीत करता हूँ बच्चा पार्टी, तो एलुवियल सॉइल को आप लोग इस तरीके से जानते हैं, बेसिकली एलुवियल सॉइल आपके पास यहाँ पर दो प्रकार की होती है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, आप एक को जानते हैं बांगर के नाम से, और बांगर एक आप लोग जानते हैं खादर के नाम से। तो जब भी मैं आपसे बांगर के बारे में बात करता हूँ, ये बेटा ओल्ड एलुवियम होता है, ये ओल्ड एलुवियम होता है। और खादर की जब भी बात करते हैं, ये हमारा न्यू एलुवियम होता है, ये आपके पास नवीन जलोढ़ निक्षेप होते हैं। और नवीन जलोढ़ निक्षेप होने का कारण क्या है, इसमें रिवर अपने डिपॉजिट्स लाती रहती हैं, और ये आपके पास क्या है, काफी उपजाऊ होता है। तो एमपी में यही पाया जाता है, लेकिन सॉइल इरोजन के कारण यहाँ पर कृषि कम हो पाती है। अपन ने सॉइल के बारे में जाना, अपन ने टेम्परेचर के बारे में जाना, हमने रेनफॉल के बारे में जाना, तो यहाँ की कृषि के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। हम कृषि और पशुपालन के बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं कि इस वाले रीजन में कृषि और पशुपालन आपको यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ कृषि व पशुपालन के बारे में, तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, बेसिकली दोनों प्रकार की हम कृषि करते हैं। दोनों प्रकार की मतलब क्या है कि अगर मैं खरीफ की बात करूं और रबी की बात करूं, दोनों प्रकार की कृषि इनके द्वारा यहाँ पर की जाती है। इसमें बेटा आपके पास जो मोस्टली हम कृषि के बारे में बात करते हैं, तो सरसों, आपने सरसों के बारे में नाम सुना होगा, इस सरसों की खेती ज़्यादा की जाती है। और इसमें भी पहले नंबर पर मोरेना, जो मोरेना हमारा है, ये मोरेना पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है। इसके अलावा और कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, तो भैया गेहूं की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, गेहूं की खेती कर ली जाती है। आलू आपके पास जो है, आलू की खेती कर लेते हैं। चौथे नंबर पर आप लोग कह सकते हैं कि जो चना है, इस चने की खेती की जाती है। मतलब फसलें लगभग सारी ली जाती हैं, लेकिन मेनली इस वाले रीजन में हम सरसों का उत्पादन करते हैं, और सरसों के उत्पादन में पूरे मध्य प्रदेश में मोरेना का पहला स्थान है। इसके साथ में याद रखिएगा, ये मोरेना हमारा शहद के उत्पादन में भी पहले नंबर पर आता है। जो आपके पास शहद उत्पादन किया जाता है यहाँ पर, ये मोरेना पहले नंबर पर है। दुग्ध की अपन यहाँ पर बातचीत करते हैं, तो दुग्ध उत्पादन में आपके पास ये पहले नंबर पर है। हम गजक की यहाँ पर बातचीत करते हैं, गजक उत्पादन के लिए भी आपके पास मुरैना जाना जाता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे इस वाले रीजन में। अगर कुछ समस्याएं हैं तो कुछ अच्छी बातें भी आपको देखने को मिलती हैं। क्लाइमेट की बात करें तो आप याद रखिए कि यहाँ पर गर्मियों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, सर्दियों में सर्दी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमको यहाँ पर जो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी। देन हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, रेनफॉल 75% से लेस देखने को मिलता है, सेमी एरिड रीजन है। और सेमी एरिड रीजन है तो इस वाले क्षेत्र में जो फॉरेस्ट है बच्चा, इस फॉरेस्ट का हमें अभाव देखने को मिलेगा। कटीले वन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें बेटा कैटेगरी है। पश्चिम रीजन की बात करूँ, नदन पोर्शन की बात करूँ, सदन की बात करूँ, तो सदन आपके पास जो पोर्शन है, शिवपुरी या गुना और ग्वालियर वाला जो बेल्ट है, ये आपको फॉरेस्ट में रिच देखने को मिल जाता है। काफी अच्छे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वेस्ट और नॉर्थ वाला जो रीजन है, यहाँ आपको कटीले वन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसके बारे में, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव जो भूगोल है, इस मानव भूगोल के बारे में बातचीत करें, तो यहाँ देखो आवास आपको ठीक ठाक मिलेगा। मतलब अगर मानव भूगोल की मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करता हूँ, तो शहरीकरण और आपके पास उतना ज़्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है इस वाले रीजन में। ग्रामीण आपके पास जो आबादी है, ये ग्रामीण आबादी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ग्रामीण आबादी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो लिंगानुपात है, इस लिंगानुपात को लेकर थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हमारा जो भिंड है, इस भिंड की बात आपसे करते हैं, 836 यहाँ का सेक्स रेशियो है, और ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम है, 836। मुरैना की बात करेंगे, 840।
ग्वालियर की बात करते हैं 864, तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं हैं लिंगानुपात को लेकर। लिटरेसी रेट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, लिटरेसी रेट भी आपको कम देखने को मिलती है इस वाले रीजन में। हाँ, ये हमारा जो रीजन है ये इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूँ कम पाए जाते हैं, लेकिन इरिगेशन मध्य प्रदेश का ये वो वाला रीजन है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सिंचाई देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा सिंचित आपको जिले यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ इसके बारे में, जो इरिगेशन है, ये इरिगेशन इसमें आप लिख सकते हैं जैसे दतिया मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सिंचित जिला है, मोस्ट इरिगेटेड आपका डिस्ट्रिक्ट है। देन अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं हमारा जो ग्वालियर है, ये ग्वालियर की बात करें, या हम तीसरे नंबर पर जो हमारा श्योपुर है, इस श्योपुर के बारे में बातचीत कर सकते हैं। मतलब ये पूरे के पूरे जिले हैं, ये पूरा का पूरा आपके पास जो क्षेत्र है ये चंबल नदी से सिंचित है, इसके कारण सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा प्रयास हैं सरकार के इस वाले रीजन में जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को सॉल्व कर सकें। अगर मैं आपसे यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करूं तो 125 से लेकर 130 के आसपास आपको देखने को मिलती है एवरेज। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। अगर अपन इतना सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें पर्यटन को देखने का भी अधिकार है कि भैया यहाँ पर पर्यटन में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो रीजन है हमारा पर्यटन, संस्कृति और इतिहास में भरा है पूरा। मतलब अगर अपन पर्यटन के बारे में बातचीत करें या टूरिज्म के बारे में अपन यहाँ पर बातचीत करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे हमारा जो ग्वालियर फोर्ट है, ये ग्वालियर फोर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिब्राल्टर कहलाता है भारत का, किलों का रत्न कहलाता है और बहुत बड़ा किला है बेटा आपके पास। ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने का काम करते हैं हमारा ग्वालियर का किला। अगर आप दिल्ली में शासन कर रहे हो और आपको साउथ में जाना है तो ग्वालियर के किलों को जीतना एक अनिवार्य माना जाता था उस टाइम पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। आप इस ग्वालियर के किले में जाएंगे तो आपको यहाँ पर तेली का मंदिर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर तेली का मंदिर देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर जो सहस्त्र बाहु का मंदिर है, ये सहस्त्र बाहु का मंदिर देखने को मिलेगा जो बेसिकली सास बहु के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रचलन में सास बहु आ गया है बट सहस्त्र बाहु का क्या है, ये मंदिर है। आप यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास मुरैना में आपको काफ़ी सारे किले देखने को मिल जाएंगे। हम जब भी यहाँ पर बात करते हैं भिंड के बारे में तो भिंड का आपके पास जो आटेर का किला है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब भिंड में जाएंगे, मुरैना में, भिंड में काफ़ी सारे किले आपको देखने को मिलेंगे। मुरैना में सबलगढ़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भिंड की बात करते हैं तो आटेर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये क्षेत्र हमारा वो है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब इस रीजन में आपको काफ़ी दर्शनीय स्थल देखने को मिल जाएंगे। श्योपुर में जाते हैं तो कूनो पालनपुर आपको देखने को मिलेगा, मुरैना में आपको चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, शिवपुरी की बात करते हैं तो माधव नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो रिचेस्ट एरिया है टूरिज्म में आप जब भी जाते हैं तो, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए हम मध्य भारत का जो पठार है, इस मध्य भारत के पठार के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने कृषि के बारे में जाना, यहाँ का जो आपके पास टूरिज्म है इस टूरिज्म के बारे में जाना, टेम्परेचर क्या है, वर्षा क्या होती है, फॉरेस्ट कैसे पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं, ठीक है, और भी जो भी हमारी लिंगानुपात की बात करें या इसका जो आपके पास जनघनत्व इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए इस रीजन में कुछ समस्याएं हैं, अपन अभी समस्याओं पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, क्योंकि ये समस्याएं आपको जानना जरूरी है। आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आप सरकार के हिस्सा बनने वाले हैं और सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि किसी भी रीजन में जो परेशानी चल रही है उनका समाधान करना। जनरली इंटरव्यू में बोल तो देते हैं हम लोग कि उस रीजन में जो प्रॉब्लम चल रही होंगी उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने से पहले आपको समस्याएं मालूम तो होना चाहिए। क्या समस्याएं हैं, देखिए एक तो बहुत फेमस है सॉइल इरोजन, जो आप सब लोगों को आती है, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं कि भैया सॉइल इरोजन यहाँ की मेन प्रॉब्लम है। और मृदा अपरदन, ये मृदा अपरदन भी अपने आप में एक अलग टाइप का होता है जिसे अपन लोग गली अपरदन के नाम से जानते हैं, गली इरोजन के नाम से जानते हैं, या आप इसे जानते हैं किसके नाम से, अवनालिका अपरदन के नाम से। हिंदी में इसका जो नाम है वो है क्या, अवनालिका अपरदन। क्या होता है अवनालिका अपरदन, ये सॉइल में इस तरीके से नालियां टाइप की आपके पास बना दी जाती हैं, गली टाइप की बना दी जाती हैं,
ये पूरा का पूरा एरिया बहके चला जाता है, ये घेरे घेरे खड्डों में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पे देखो ना तो आप खेती कर सकते ना कुछ कर सकते, और ये जो गड्ढे आपके पास हैं, ये गड्ढे क्या करते हैं, जो आपके पास बीहड़ों की समस्या है, इस बीहड़ों की समस्या को बढ़ावा दे देते हैं, बीहड़ समस्या को जन्म देते हैं। देखिए सोइल एरोजन के कारण एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती, और अगर कृषि आपके पास नहीं हो पाएगी, कृषि नहीं हो पाएगी तो फिर आय का स्रोत कुछ नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो नहीं पाए, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए सोइल एरोजन तो है, बीहड़ समस्या है। एक चीज याद रखना, बीहड़ों की जब भी बात करते हैं तो खड्ड आपके पास जो सबसे ज्यादा है ये हमें मुरैना में देखने को मिलते हैं, और बीहड़ समस्या का जो प्रभाव है ये सबसे ज्यादा हमें भिंड में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गड्ढे हैं ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, मुरैना में, और इस समस्या का इम्पैक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, भिंड में। ये इधर आके छुप जाते हैं और भिंड में जाके क्या करते हैं, चोरी और डकैती के जो काम है वो इनके द्वारा किए जाते हैं। हालांकि सरकार के प्रयासों के द्वारा अभी तो ये समस्या हमें कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी समस्या से ग्रसित तो है। यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियों का थोड़ा सा अभाव देखने को मिलेगा, हालांकि सरकार के द्वारा जो उद्योग हैं इन उद्योगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उद्योगों का अभाव है। ठीक है, मालनपुर की हम लोग बातचीत करते हैं, ये आपके पास मालनपुर भिंड है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। मालनपुर आपके पास क्या बेटा, ये फूड पार्क है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, हमारे पास जो आटेर वाला रीजन है, यहाँ सरकार के द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। अगर अपन यहाँ पर और बात करें तो जो आपके पास खैर से कत्था बनाने का फैक्ट्री है बानौर में, कत्था बनाने की आपको उद्योग देखने को मिल जाएगा, बीड़ी उद्योग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उद्योग में ये चीज़ आपके यहाँ पर क्या है देखने को मिलेंगी। तो समस्याओं की जब भी बात करते हैं, सॉइल एरोजन है, इंडस्ट्री का अभाव है, बीहड़ों की समस्या है। इसके साथ में इस रीजन में एक समस्या और काफ़ी बड़ी है, जिसे हम लोग जानते हैं जल आक्रांता की समस्या के नाम से। ये आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, सर जल आक्रांता क्या है। देखिए हमारा आपके पास जो उत्तर का मध्य भारत का मैदान है, यहाँ दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है ये आपको देखने को मिलती है, जल आक्रांता की समस्या। और जल आक्रांता की समस्या का कारण मतलब क्या है, देखिए जो चंबल नदी है या चंबल आपके पास नहर है, इस नहर से पानी उपलब्ध होता है काफ़ी ज़्यादा, तो किसानों को ऐसा लगता है ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा फसल का उत्पादन होगा। पढ़े लिखे नहीं है ना, शिक्षा का अभाव है, तो वो क्या करते हैं, खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहता है, लंबे समय तक पानी भरा रहता है। लंबे समय तक अगर पानी भरा रहेगा फसलों में तो उनको ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, O2 की बात करते हैं, या हम बात करें किसके बारे में, जो हवा है, एयर है, इसकी कमी हो जाती है। इसके कारण पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते हैं, और अगर नहीं बढ़ेंगे तो उत्पादन आपको क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। देखिए वैसे ही तो कृषि कम होती है, और इसमें ज़्यादा पानी और भर देते हैं, उसके कारण ये पेड़ पौधे बड़े नहीं हो पाते हैं, तो उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं, आप शिक्षा को लेकर आपके यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हमारे पास रूढ़िवादी सोच आपको देखने को मिल जाती है, बेटा जैसे ही 10th पास हुआ उस पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, संसाधनों का अभाव हमें देखने को मिलेगा इस वाले रीजन में। संसाधनों के अभाव के अलावा आप जो लिंग अनुपात है, ये लिंग अनुपात को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी आप लोग इसको कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप लोग लिख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उतनी उन्नत नहीं है। एक टाइम तक हमारा भिंड मुरैना वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है कि यहाँ शिक्षा का महत्व नहीं है, या सिर्फ बागी जन्म लेते हैं, शिक्षा की समस्या है। हम अगर इन सब के साथ में बात करते हैं तो बेटा जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण आपके पास जो है, ये कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी चीज़ों के जो निराकरण है हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और एक काफ़ी संपन्न रीजन है, इसके विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। तो इसमें देखो हमने समझने की कोशिश की मध्य भारत के पठार के बारे में, थोड़ा सा डिटेल लेक्चर ज़्यादा हो गया, बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते ही हैं, इसके साथ में मेंस में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उम्मीद है जो मध्य भारत का पठार है या फिजियोग्राफी के जो बेसिक्स हैं आपको समझ में आए होंगे। जो भी आपकी राय हो आप मुझे बताएं ज़रूर, और अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं तो बताएं सर के, थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड डे।